आप ज़रा व्यू चेक करें, व्यू देखें सिर्फ आप मेरी छत से, ऑलमोस्ट आपको आधा कराची तो नज़र आएगा। चेक कर सकते हैं आप, वो पीछे पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। तो जी बिस्मिल्लाह, उड़ा दिए पतंग, फिलहाल पतंग उड़ गई हमारी और आप देख सकते नहीं चलो जी एक तो काट दिए, चलो जी दो काट दिए हमने हैं। अच्छा भाई बिल्ले भाई ये पता नहीं ऊपर है। अच्छा ये रही है, सही है भाई, अभी तक उड़ रही है। ना ना बिल्ले भाई ये रही मेरे ऊपर है, उड़ रही है पतंग। और अब हम इंशाल्लाह ताला लेते हैं बकरा भाई, मेरी काटी है ना पतंग, और हम इनकी ज़रूर काट के ही नीचे जाएंगे। कमल हाँ हम सलाम कर दें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अहमद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप लोग ठीक होंगे, क्या क्या से होंगे। तो मेरे चैनल पे आपने एक्सरसाइज से रिलेटेड व्लॉग और क्रिकेट से रिलेटेड व्लॉग और मजीद मंडी से रिलेटेड व्लॉग भी देखे होंगे, लेकिन तो ये व्लॉग होने वाला है हमारा पतंग से रिलेटेड। आज हम पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि अभी दो दिन बाद है रमज़ान, और आपको पता है रमज़ान में कराची में पतंगें कैसे उड़ाई जाती हैं, तो समझें कि प्रैक्टिस है इंशाल्लाह। फिर ये हुआ कि ऑफिस के बाद शाम में पतंग उड़ाएंगे और रात में होगी क्रिकेट। तो आई होप आप लोगों को, मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा व्लॉग दे सकूँ। तो आप ज़रा व्यू चेक करें, व्यू देखें सिर्फ आप मेरी छत से, ऑलमोस्ट आपको आधा कराची तो नज़र आएगा। चेक कर सकते हैं आप, वो पीछे पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी, देख रहे हैं, जस्ट व्यू चेक करें आप। मज़ीद ऐसा व्यू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला आपको रमज़ान में आपका भाई दिखाएगा फुल पसंद छत से अपनी। अभी भी आप देख सकते हैं पतंगें उड़ रही हैं, लेकिन दूर दूर हैं, लेकिन माशाल्लाह मांझा इतना है कि वो दूर तक लेके जा सकते हैं हम। सर की नमाज़ पढ़ने के लिए गया था तो मेरे कज़न आ गया और उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाते छत पे चल के, तो उनकी हमने कर की थी घर पर दावत, तो सोचा कि उन्हें आज पतंग उड़ा ली जाए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उड़ा रहा हूँ मैं भी पतंग। और ये है कि जो मेरे कज़न हैं के बसंत वगैरह करते रहते हैं, तो वो कह रहे थे कि पतंग उड़ाएंगे रमज़ान में भी, तो ये मैंने सोचा कि भाई रमज़ान में उड़ानी है तो उससे पहले थोड़ा सा हादसा हो जाए। अच्छा, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ के तीन पतंगें लेके आ गया था, और ये अभी हम समझ रहे कि प्रैक्टिस है, अगर अच्छा रहा अभी तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि फिर रमज़ान में भी आप लोगों को पतंग से पतंग उड़ाने का जो ब्लॉग है वो आप लोगों तक में शेयर कर आप लोगों को। कमल हाँ हम सलाम कर दें, थैंक यू। कमल भी आ गई भाई हमारी, तो तीन पतंगे ले आया था और ये आप देख सकते हैं ये पन्ना है, क्या बोलते हैं इसको, पिन्ना बोलते हैं ना बिल्ले भाई, क्या नहीं नहीं पिन्ना वैसे क्या बोलते हैं डोर को, क्या बोलते हैं पिन्ना, पिन्ना बोलते हैं ना ये, क्या अरे कहना क्या चाहते हो, क्या ये चरखी है। अच्छा ये चरखी गाल देख रहे हैं आप, ये है लाहौर का मांझा, लेकिन ये है कि ये रखे आप चरखी गाल देख सकते क्या हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। ये वाला शहीद हो गया लाते हुए, अब इसको टेप लगा रहे लगाए, उड़ाने से पहले इसको मरहम पट्टी लगा दें। तो आप देख सकते हैं पतंग हमारी हो गई है रेडी, मांझा बांध रहे हैं, हाँ आप देख सकते हैं बच्चे भी छत पे उड़ा रहे हैं पतंग, बच्चों ने काट दी पतंग। ये आप देख सकते हैं उमर भी आ गया, क्या हाल है। तो जी बिस्मिल्लाह उड़ा दिए पतंग, तो जी पतंग आ गई ऊपर हमारी, तो जी फिलहाल पतंग उड़ गई हमारी और आप देख सकते हैं नहीं तो जी एक तो काट दिए, पहली काट दिए बिल्ले भाई हैं। अच्छा भाई दूसरी भी, चलो जी दो काट दिए हमने तक के दो पेची हमने काट दी हैं, दिखाए ये पता नहीं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल, काट दो काट दो, उड़ा तो रहे हैं वो भी।
अपनी पतंग जोर में रखो, ढीली करोगे ना फिर अपना नुकसान। जोर बहुत है तुम्हारे पास, जोर से नहीं घबरा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बोल रहा हूँ तुम्हारे को, बिछाई तो मारनी नहीं अपनी पतंग जोर में। तो जी हमने दो काटी, उसके बाद मुझसे कट गई। अब लाल भाई कह रहे हैं कि मैं हवा के अगेंस्ट गया जा रहा था तो उस पतंग को ज़्यादा फ्लो मिला, इस वजह से मेरी पतंग कट गई। खैर मैं खिंचाई से गया और लाल भाई ने जो दोनों काटी थी पतंगें वो क्या कहते हैं व्हील लेके काटी थी। तो खैर अब हम दूसरी पतंग पे मांजा डाल लें, उसके बाद फिर हम दोबारा ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ताला, अब बदला ले लेंगे, काट देंगे जितनी मर्जी। आप देख सकते हैं खिंचाई मार रहा था मैं और क्या हुआ है, लग गया कट। एक तो बिलाल भाई डाल ले मांझा और एक मुझसे कट गई है, दो बिलाल भाई ने काट दी थी, तीसरी मैं वो गई कहाँ पता, वो उतार ली क्या नीचे उन्होंने, ऊपर है। अच्छा ये रही है, सही है भाई, अभी तक उड़ रही है ना ना बिल्ले भाई, ये रही मेरे ऊपर है, उड़ रही है पतंग। और अब हम इंशाल्लाह ताला लेते हैं बकरा भाई, मेरी काटी है ना पतंग, अच्छा उनकी ज़रूर काट के ही नीचे जाएंगे। दूसरी पतंग उड़ गई है हमारी, देखते हैं अब हम ये वाली कटवाते हैं या काटते हैं। हमारी एक और कट गई। ये थी पतंग आई थिंक लास्ट जिसने हमारी पतंग काटी है, अभी हम आ रहे हैं दोबारा से बदला लेने के लिए तुमसे। दो पतंगें और आ गई भाई, ये हसनैन ले आया, हसनैन हालांकि मैंने उसको बोला नहीं लेकिन वो लेके आ गया, तो अब हमारे पास दोबारा क्वांटिटी पतंग की हो गई तीन। मैं तीन लेके आया था, तीन में से एक ये बची है, दो बिलाल भाई ने काटी और दो हम कटवा चुके हैं अब तक के। अब ये तीसरी पतंग हमने उड़ा दी, वैसे तो सब ने नीचे उतार ली, अब हमें मांझा ये कि लपेटना है, तो आ गया वापसी, जिसने हमारी पतंग काटी थी इसकी काट के ही जाएंगे। आप देख सकते हैं मगरिब की अजानें हो गई हैं, अगर ये आता है तो इसकी काटते हैं, नहीं तो फिर ये है कि हम जाएंगे। ये नीले वाले ने काटी है हमारी, हाँ उसने भी उतार लिया आई थिंक, तो भाई मैंने पतंग उतार ली है, मगरिब की अजानें हो गई हैं और अब हम जा रहे हैं वापस। तो ये था आज का व्लॉग, दो पतंग हमने काटी, दो पतंग हमने कटवाई, एक पतंग रह गई है जो हमने लास्ट में उड़ाई थी, क्योंकि सबने उतार ली पतंग, तो वो हमने जैसे उड़ाई थी कि अपना मांझा सीधा कर लें और लपेट सकें वापसी। तो मेरी कोशिश होगी कि अब रमज़ान स्टार्ट हो तो डेली व्लॉग बना सकूँ, पतंगा अगर नहीं बनाया तो वीकली तो बनाऊँगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।